बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामाइन, बाबेलम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, एक तन्हा और बेबस इंसान मस्जिद की दीवार से टेक लगाए बैठा था, फिर अचानक वो चौंक गया। उसने सुना एक मौलाना साहब सूरह फातिहा के फजाइल व बरकात बयान कर रहे हैं। सूरह फातिहा एक अजीम तरीन सूरत है। जो शख्स रोजाना सूरह फातिहा पढ़ेगा, क़यामत के रोज दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। सूरह फातिहा पढ़ने वाले से अल्लाह खुश होता है और इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने वाले के लिए जन्नत में आला मुकाम होगा, कब्र में कुशादगी होगी, पुल सिरात पर सहारा होगा। सूरह फातिहा पढ़ने वाले के लिए न सिर्फ आखरत में अजर होगा बल्कि उसकी दुनियावी जिंदगी भी संवर जाएगी, हर नेमत अता की जाएगी। जो शख्स दुआ में सूरह फातिहा पढ़ेगा तो दुआ कबूल कर ली जाएगी। जो शख्स रोज 3 मर्तबा सूरह फातिहा और 3-3 बार चारों कुल शरीफ पढ़ लेगा, वो मौत के अलावा हर चीज से अमन में रहेगा। सूरह फातिहा पढ़ने से बीमारियों से हिफाजत रहती है, आफतों मुसीबतों से निजात मिलती है। यहाँ तक के ये इतनी अजीम सूरत है कि अगर कोई मुकम्मल यकीन के साथ इसे पढ़ के पानी पर चल पड़े तो पानी का बहाव और लहरें भी उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बयान खत्म हो गया, सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए। चंद दिन ही गुजरे थे कि गांव में एक बात बहुत मशहूर हो गई, गोया जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक नौजवान है जो रोज दरिया के पानी के ऊपर पैदल चलकर दरिया अबूर कर लेता है। लोग दरिया किनारे जमा हो जाते और ये शख्स अपने वक्त पर दरिया किनारे पहुंचता, जूता हाथ में उठाता और दरिया के पानी पर चलकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाता। एक दिन मौलाना साहब तक ये बात पहुंच गई, वो भी ये कारनामा देखने पहुंच गए। उनके सामने नौजवान ने जूते उतारे और पानी पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने आवाज दी, ए नौजवान वापस आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। नौजवान ने बहुत अदब से बात सुनी और वापस पलट कर खुशकी पर आ गया। मौलाना साहब बोले, नौजवान तुमने तो ये कमाल कर दिया, ये करतब कहाँ से सीखा तुमने, कैसे ये महारत हासिल की तुमने? नौजवान बोला, जनाब एक दिन वो सामने वाली मस्जिद में एक मौलाना साहब सूरह फातिहा के फजाइल बता रहे थे। उन्होंने आखिर में कहा था, अगर कोई इंसान मजबूत इरादे और पक्के यकीन से सूरह फातिहा पढ़ कर दरिया पर चल पड़े तो वो दरिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं उठा और अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और दरिया के ऊपर चल पड़ा और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। मैं दरिया की दूसरी साइड पर मजदूरी करने जाता हूं और अब मेरी रोज की यही रूटीन है। नौजवान चला गया। मौलाना साहब की आंखों में आंसू थे, दिल रो रहा था और सारा बदन लर्ज रहा था, क्योंकि वही मौलाना साहब थे जिन्होंने सूरह फातिहा के फजाइलो करिश्मात बयान किए थे और जिसे सुनकर वो नौजवान मुराद पा गया। लेकिन खुद मौलाना साहब वो फजाइल बयान तो कर रहे थे लेकिन उन्हें उन पर यकीन नहीं था। सामईन, नौजवान ने कैसे कर लिया ये कारनामा? सिर्फ अपने पुख्ता यकीन की वजह से। अगर उसे यकीन ना होता तो वो कभी ये काम ना कर सकता। सामईन, करोड़ों बार अपने रब्बे ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अजीम शान किताब कुरान पाक अता। हमारे जहनों में शैतान ये वसवसे डालता है कि तुम तो रोज इबादत करते हो, वज़ाइफ पढ़ते हो, तुम्हारे वज़ाइफ का तो कोई असर ही नहीं, तुम्हें कोई फायदा ही नहीं हो रहा। यकीन से पढ़ें, साबित कदम रहें, फायदा जरूर होगा। सामईन, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस पर अमल करें। जब बंदे को अपने रब पर और उसके अहकामात पर, उसके दस्तूरों जाब्तों पर और उसके निजाम पर मुकम्मल यकीन आ जाएगा तो फिर उसके लिए दुनिया आखरत में बस कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। दिल में यकीन पक्का कर लें कि उस रब की मर्जी के बगैर मक्खी भी पर नहीं हिला सकती।
سکتی جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی رضا سے ہوتا ہے اور جو اس کی رضا سے ہو وہی بہترین ہوتا ہے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین بہت شکریہ آمین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام واٹس اپ گروپس فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ